तू सही कह रहा हूँ ना मैं भाई? क्यों छुट्टी होना चाहिए जयंती पे? गांधी जयंती आ गया तो छुट्टी कर दो, किसी और का जयंती आ गया तो छुट्टी कर दो, क्यों छुट्टी कर दें? महात्मा गांधी पैदल चल चल के मर गए, मेहनत कर कर के मर गए, और उनका जयंती जब आया लोगों ने क्या कह दिया? बड़े साहब का जयंती है, छुट्टी कर दो, क्यों छुट्टी कर दें? मैं सच बता रहा हूँ आपको, गांधी जयंती के दिन छुट्टी कर करके ये स्थिति उत्पन्न हो जाएगा कि गांधी कौन थे जी, नहीं पता, कोई होगा, यही होगा ना। और किसी के जयंती पे आप छुट्टी कर देंगे, वो होगा कोई, बस छुट्टी मिलता है एक दिन का हमें, क्यों? मैं सही कह रहा हूँ ना, स्थिति ये होने वाला है एक दिन कि गांधी जी कौन है हम नहीं जानते जी, बस एक दिन का छुट्टी मिलता है इसलिए हमको याद है 2 अक्टूबर। भाई बस 2 अक्टूबर को छुट्टी मिलता है गांधी जयंती के नाम पे, गांधी ने क्या करा हमको नहीं मालूम, क्योंकि छुट्टी हो जाता है ना स्कूल कॉलेजेस में उस समय पे। 2 अक्टूबर को शास्त्री जी ने भी जन्म लिया, ठीक है, कौन है जी शास्त्री? होंगे कोई, उन्होंने क्या किया देश के लिए? कुछ किए होंगे, छुट्टी कर देते हैं ना। किसी और का जयंती आ जाए, छुट्टी कर दो, तो किसी और का जब जयंती पे आप छुट्टी कर देंगे तो किसी और के बारे में जानेंगे कैसे, क्यों? बहुत अच्छा होता कि गांधी जयंती पे छुट्टी ना करता, बल्कि उसके बारे में बताता, गांधी जी के बारे में बताता, गांधी ने क्या, कौन से झंडा गाड़े, क्यों? गांधी जी क्या किए देश के लिए बताना चाहिए था ना, लेकिन नहीं जी हम तो छुट्टियां मनाते हैं। मुफ्त का छुट्टी लेना होता है ना, तब हम कह देते हैं बड़े साहब का जयंती है, छुट्टी है, छुट्टी कर दो, काई के लिए बड़े साहब बोल के गए थे मेरा जयंती पे छुट्टी कर देना। ये आजकल के बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों का मूर्खता है, मैं सच बता रहा हूँ। अब पता नहीं ये रिकॉर्डिंग जो सुन रहा होगा ना वो भी मेरे को गाली दे रहा होगा शायद मन में, क्यों दे रहा होगा ना, वो देगा क्योंकि किसी ने कुछ बना दिया होगा सिस्टम जी, छुट्टी दे दो, काई के लिए छुट्टी देने का? भाई गांधी जी के बारे में बताइए, जिसका छुट्टी दे रहे हैं आप उसके बारे में बताइए, छुट्टी देना क्यों, उसके बारे में बताइए ना, उसने क्या संघर्ष करा, क्या मेहनत किया। अगर आप बता देंगे तो बंदा कभी डिमोटिवेट नहीं होगा, उसे मोटिवेशनल स्पीकर का अलग से जरूरत नहीं पड़ेगा, जो आज मोटिवेशनल के सामने भीड़ लगा के लोग बैठते हैं, क्यों बैठते हैं? क्योंकि वो मोटिवेशन उनको बचपन में नहीं दिया जाता है जी, हम तो जी रट लेते हैं परीक्षा में और उल्टी कर देते हैं, पास जाते हैं, क्यों? बड़ा अच्छा है ना। हाँ, और क्या कह देते हैं, बड़े साहब का जयंती है, छुट्टी कर दो, वाह भाई वाह। ये पढ़े लिखे लोगों को ये बात समझ में आता नहीं कि पता नहीं क्या, अब पता नहीं जी वो क्यों छुट्टी दे देते हैं, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। मैंने जितने लोगों से पूछा कि छुट्टी होना चाहिए, तो कुछ लोग थोड़ा देर तर्क करते हैं, बोलते हैं हाँ बात तो सही है, छुट्टी नहीं होने चाहिए, बल्कि उनके बारे में हमें बताना चाहिए। क्या? अच्छा प्रोजेक्टर में क्लियर नहीं है, अब हो गया क्लियर? नहीं हुआ जी, ये तो बहुत ना इंसाफ है, लगता है बड़े साहब का छुट्टी नहीं दिया, बड़े साहब के नाम पे इसीलिए। अब तो दिखाई दे रहा होगा, रुको मैं फिर से, अब दिखाई दे रहा होगा, अब क्लियर है, सही कह रहे हो, अब क्लियर है। चलिए जी बड़े साहब का नाम लेके शुरू करते हैं हम, क्यों? लेकिन इसको क्यों शुरू करें हम? हम तो प्रोजेक्ट बना रहे थे ना कल, ये वाला। चलिए जी देखते हैं हमने कौन सा झंडा गाड़ा कर। चलिए जी इतना काम हम लोग किए थे कल, राइट? इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं ऐसे कर दूंगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है? चलिए जी पिक्चर बॉक्स में मैं बॉर्डर तो नहीं दूंगा, बॉर्डर की जगह पे यहाँ पे कुछ और काम करूंगा मैं, ठीक है? और एक ग्रिड व्यू मैं इतना ही कंट्रोल अभी लेता हूँ, जरूरत के अनुसार मैं बढ़ा घटा लूंगा आगे पीछे, आप लोग अगर कुछ कहेंगे कि ये भी डिटेल होना चाहिए तो इसके अकॉर्डिंग, राइट? चलिए जी तो
एक कंट्रोल से मैं आपका परिचय करा देता हूँ जी, और वो कंट्रोल का नाम है टैब कंट्रोल, जो ये है। ये कौन सा कंट्रोल है? टैब कंट्रोल। एकरा से क्या होता है आप लोग जानते हैं? बिना बताए कैसे पता चलेगा? या है पता आप लोग जानते हैं? नहीं जानते जी। ठीक है जी, हम बता देंगे आपको कि इसका क्या नाम है। इस पे मैं आ जाऊंगा जी, और ये जो नीचे तक है इसको गधा थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। जैसे मान लीजिए ना, मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम का, मैं क्या बताने वाला था यार, भूल गया। टैब, अच्छा टैब कंट्रोल तो ले लाया हूँ। मेरा ध्यान भ्रमित क्यों हो रहा है अभी, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। चलिए कोई बात नहीं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इतना कंट्रोल मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। मेरे को ऐसा जरूरत पड़ा कि स्टूडेंट के बारे में 10 डिटेल और चाहिए, राइट। 10 डिटेल मुझे और चाहिए स्टूडेंट के बारे में, ठीक है जी। तो 10 डिटेल और चाहिए तो 10 कंट्रोल भी तो लेना पड़ेगा, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह। अब 10 टेक्स्ट बॉक्स लूंगा इतने छोटे से फॉर्म में, आ जाएगा 10 कंट्रोल? असंभव। तो क्या करेंगे जी, हम ले लेंगे इस तरह का टैब कंट्रोल, ऐसा, ठीक। इस टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ कंट्रोल लिख देंगे, इस टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ कंट्रोल आ जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग? यही टैब कंट्रोल का सत्य है, ठीक। समझ में आ गया आप लोग को? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ले लिया कौन सा कंट्रोल, नहीं बताएंगे, टैब का कंट्रोल, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ जी, ये है टैब पेज, ये यहाँ पे है, ठीक है। इसको मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से टैब ऐड भी मैं कर सकता हूँ, ऐसे कर दूंगा तो ऐड हो गया जी टैब, ठीक है। आ गया ना, आ गया टैब, बड़ा आसान काम है यार, ठीक है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, मेरे को नहीं चाहिए बहुत सारा टैब, मैं अभी सिर्फ एक टैब लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ एक टैब मेरे को अभी चाहिए, जरूरत पड़ेगा तो आगे और भी टैब ले लेंगे। कौन सा पैसा लगता है लेने में, क्यों? कंट्रोल से खींच के ले लाएंगे, उठा के बोलेंगे चल भाई थोड़ा काम कर इधर। फीस, इस वाली सही लिखा हूँ फीस का, डिटेल्स, ठीक, ऐसा मैं कर दूंगा जी, फीस डिटेल, ठीक है जी। बाकी मैं इसमें कुछ भी नहीं करूंगा और, ठीक है। लेआउट वगैरह बहुत सारा है, ऑटो स्क्रॉल कर दूं, नहीं करता हूं अभी, ठीक है। बाकी डिजाइनिंग के रिलेटेड है टैब कंट्रोल, कहाँ से आप नाम बदल सकते हैं, ठीक है। ड्रॉप एंकर, कंटेस्ट मेनू स्ट्रिप्ट वगैरह है, टेक्स्ट है, राइट है, बैकग्राउंड कलर वगैरह है। इसको बदल दें क्या इसमें, बैकग्राउंड कलर को, बॉर्डर स्टाइल वगैरह है, ठीक है। तो मैं बाकी कुछ नहीं करता हूँ, इतना ही छोड़ देता हूँ, आप लोग एक्सपेरिमेंट करिएगा जी। अब देखिए, जब मैं बदला बैकग्राउंड को तो क्या हो गया जी, देखिएगा आप, इधर जो आ रहा था वो गायब हो गया ना, पता नहीं हो गया होगा, क्योंकि फॉर्म का कलर और उसका कलर मैंने सेम ले लिया था, ठीक है। अब ये जो टैब कंट्रोल है, इसके अंदर क्या है, ये अलग है, ठीक। इसके अंदर मैं क्या करूंगा जी, एक कंट्रोल और ऐड कर दूंगा, और उस कंट्रोल का क्या नाम होगा मालूम आप लोगों को जी? नहीं पता। क्यों नहीं पता? वो तो मेरे को मालूम होगा ना, ग्रिड व्यू कंट्रोल लूंगा इसके अंदर, और लूंगा तो क्यों लूंगा, उसका क्या जरूरत है, क्यों? मैंने तो अभी नहीं बताया आप लोगों को, इसलिए आप लोगों को मालूम नहीं होगा शायद, मैं सही कह रहा हूँ ना? अच्छा ठीक है जी, इसको मैं पकड़ के इधर ग्रिड व्यू कंट्रोल फिट कर देता हूँ जी। जरूरत तो है नहीं इतना लंबा चौड़ा का, लेकिन मैं ले लूंगा, ठीक। चलिए जी,
इसको ले लाऊंगा ऊपर पकड़ के ऐसे, इसको कर दूंगा ऐसे, ठीक है जी। इस ग्रिड व्यू कंट्रोल में क्या दिखाई देगा जी? इस ग्रिड व्यू कंट्रोल में दिखाई देगा स्टूडेंट का फीस का डिटेल्स, ठीक। यहां पे मैं क्लिक, क्या करें आप? टैब कंट्रोल में हमको डेटा दिखाना है तो हम ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर ही डेटा दिखाएंगे ना, डेटा हम ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर ही दिखाएंगे, ठीक भाई। टेबल के फॉर्म में हमें दिखाना है राइट, तो टेबल के फॉर्म में दिखाना है तो हम ग्रिड व्यू कंट्रोल में ही दिखाएंगे। दिखाने के तो लिस्ट में भी दिखा सकते हैं हम, लिस्ट के अलावे लिस्ट व्यू में भी दिखा सकते हैं, लेकिन ग्रिड व्यू कंट्रोल में दिखाना सबसे ज़्यादा आसान है। अब मैं लिस्ट लूँगा, लिस्ट में दो चार लाइन का कोड एक्स्ट्रा लिख दूंगा, तो हो सकता है शायद आपको कोई समस्या आए। वैसे बड़ा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है लिस्ट कंट्रोल में डेटा दिखाना, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगा तो मैं बता दूंगा आपको जी, ठीक है। लेकिन ग्रिड व्यू कंट्रोल में आप दिखा चुके हैं डेटा तो आपको आसान होगा, इसलिए मैंने ग्रिड व्यू कंट्रोल यहाँ पे ले लिया, ठीक। अब यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। इस पिक्चर बॉक्स में एक इमेज सेट कर रहा हूँ बैकग्राउंड, ठीक। तो बैकग्राउंड इमेज किधर से सेट होगा आप लोग मेरे को बताएंगे? बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे आऊंगा, बैकग्राउंड इमेज में इम्पोर्ट करूंगा इधर से, और मैं क्या करूंगा जी, नो इमेज अवेलेबल को ओपन कर लूंगा इधर से, और इसको मैं ले लूंगा जी, ठीक है। बैकग्राउंड स्टाइल में इसको मैं कर दूंगा स्ट्रेच, नहीं करूंगा स्ट्रेच तो क्या होगा, ऐसा हो गया है जी। मैं बैकग्राउंड कलर को स्ट्रेच करूंगा इधर से, मेरे को स्ट्रेच पसंद है, आपको कुछ दूसरा पसंद है तो आप लोग कुछ दूसरा ले लेंगे। अब ये देखिए ऐसा आने लगा, ठीक। ले लीजिए जी, ठीक। तो यहाँ पे नो इमेज अवेलेबल दिख रहा है, मतलब इसमें इमेज अवेलेबल नहीं है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए, और या फिर मैं इस नो इमेज अवेलेबल पे क्लिक करूँ तो भी हमारा क्या हो, ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए, जिससे कि मैं इमेज को ओपन करके इस ग्रिड व्यू पिक्चर बॉक्स कंट्रोल में दिखा सकूँ, राइट। ये मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। कैंसिल पे जैसे मैं क्लिक कर दूँ तो इस जो पिक्चर बॉक्स है इसमें इमेज जो है गायब हो जाए, ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए जी, तो मेरे को क्या करना चाहिए, इसमें मैं बॉर्डर दे दूँ क्या, बॉर्डर स्टाइल क्यों बंद रहा है, बॉर्डर दे दूँ? दे देते हैं जी, जब आप लोग कहते हैं तो हमारा क्या जा रहा है, कोई पैसा लग रहा है इसमें? बस एक तो प्रॉपर्टी तो सेट करना है, बॉर्डर दे दिया तो ऐसा दिखने लगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे को ये बताइए कि क्या मैं इस पिक्चर बॉक्स में इमेज दिखाने के लिए जो पिछला आपके सामने प्रोजेक्ट बनाया था पिक्चर बॉक्स का, वहाँ से कोड कॉपी कर लूँ या आपके सामने लिखूँ? क्योंकि आपके सामने मैं कोड लिखूँगा तो समय थोड़ा सा लगेगा, तो अगर आप लोग कहोगे कि नहीं समय लगता है तो लगने दो, मुझे दिखाओ तो मैं आपके सामने कोड करूँगा, अन्यथा आपके सामने तो पिक्चर बॉक्स के लिए काफ़ी प्रैक्टिकल हम लोग किए ही हैं, तो क्या कहते हो आप लोग, कोड कॉपी पेस्ट करूं या लिखूं? नहीं, सिर्फ मैं उतना कोड करूंगा जिस कोड से इस पिक्चर बॉक्स के अंदर पिक्चर दिखाई देने लगे, तो क्या कहते हैं आप लोग, कॉपी पेस्ट करूं या मैन्युअली लिखूं कोड? अच्छा कॉपी पेस्ट कर लो, तो मेरा पिक्चर बॉक्स किधर है, ये वाला है पिक्चर बॉक्स जो आपके सामने में बनाया था पिक्चर बॉक्स का, प्रैक्टिकल करके दिखाया था आपको, ठीक है, यही वाला होना चाहिए, ओपन विथ सब लाइन टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। अब मैंने इस टेक्स्ट एडिटर से ओपन किया तो आप लोगों को कुछ अजीब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है जी, पर मुझे इस अजीब दिखने से कोई लेना देना नहीं है, मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लूंगा, ठीक है जी। तो मैं एक ओपन पिक्चर बॉक्स का यही वाला फंक्शन है ना जी, यहाँ पे इंड सब रूटिंग है, मैं क्या करूंगा यहां से यहां तक को कर लूंगा कॉपी, ठीक।
इसको मैं क्या करूँगा, इधर पे आऊँगा, रिकॉर्डिंग चालू किया मैं, और इस पर क्लिक करें तो भी ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए और क्या हो, ओपन कर दे इसमें फोटो पिक्चर बॉक्स में, या फिर मैं पिक्चर बॉक्स पे क्लिक करूं तो भी ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो और क्या हो, इसके अंदर ओपन कर दे पिक्चर। तो मैं सबसे पहले इस ऐड बटन पे मैं क्लिक कर देता हूं जी, ऐड बटन नहीं हो तो पिक्चर बॉक्स है, मैं पिक्चर बॉक्स पे क्लिक इवेंट फायर किया और वही कोड मैं पेस्ट कर दिया। ठीक, ये सारा कोड है जो सेम है, कोड वही है, बस डीम और मैं कोडिंग टाइम पे बना देता हूं एक बार एज न्यू ओपन फाइल डायलॉग। ठीक, अब जो है ये सही हो गया, ये यहां पे इंडेक्स बोल रहा है, हमको इंडेक्स का जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पे मल्टी सिलेक्शन का ट्रू मैं लिखा हूं क्योंकि गैलरी बना रहा था ना मैं, तो मल्टी सिलेक्शन ट्रू का हमें जरूरत नहीं है जी। हमको क्या जरूरत है, हमको जरूरत है सिर्फ फाइल नेम का, तो ये नेम्स यहाँ पे है, नेम्स को हटा दूंगा मैं जी, और मैं सिर्फ फाइल नेम ले लूँगा। ठीक, और यहाँ पे फाइल नेम का वेरिएबल बनाने से बेहतर है कि सीधा इसी को दे दूँ मैं फाइल नेम। ठीक, तो इतना मैंने कोड यहाँ पे रखा है, इसमें किसी को कोई समस्या तो होगा नहीं जी, होगा समस्या, कोई लाइन ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग पूछ लीजिए जी, मैं बताऊँगा। ठीक, बस इतना ही कोड है, क्लीन है पूरा। ठीक है, तो फोटो खींचना है आप लोगों, खींच लिए, मैं तो समझ में आ गया मुझे कि आप लोग खींच लिए होंगे अभी तक, क्यों इधर वाला भी खींच लो। ठीक है जी, ठीक है, आप लोगों को फोटोग्राफर बनना चाहिए था प्रेस में, मैं सही कह रहा हूँ ना, है ये काबिलियत है ऐसा। चलिए, इस पे मैं क्लिक कर दिया, अब ओपन पे मैं क्लिक करता हूँ जी। ठीक है, इस पे क्लिक करा, ये देखिए दिखने लगा ना। चलिए जी, लेकिन फिर वही इस पिक्चर बॉक्स पे मैं क्लिक करूँगा तो जो है क्या कहते हैं उसे, इस पिक्चर बॉक्स पे मैं क्लिक करूं तो फिर से इमेज जो है ओपन हो। ठीक है, इस पे भी मैं क्लिक करूं तो भी इमेज को ओपन हो। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा जी, आप लोग जानते ही हैं क्या करना होगा इसके लिए, इस पिक्चर बॉक्स पे भी मैं क्लिक करता हूं और इस पे भी क्या करूंगा, उसी कोड को कॉपी पेस्ट मार दूं। है, जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमेशा कोड डुप्लीकेट करने से बचें। ठीक, तो इस कोड को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। ठीक है जी, आप लोग जानते हैं समझते हैं, इसीलिए मैं इस कोड का मैं एक सब रूटीन बना देता हूं। ठीक, तो लोड इमेज इन पिक बॉक्स। ठीक, ऐसा मैंने बना दिया इसको सब रूटीन। ठीक है जी, और मैं यहाँ पे आता हूँ जी, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जो पिक्चर बॉक्स है ना, ये पिक्चर बॉक्स जो है क्या है, इस पिक्चर बॉक्स का नाम है, इस पिक्चर बॉक्स का। ठीक, हो सकता है कोई YouTube पे अगर इसको देख रहा हो तो इस पिक्चर बॉक्स का नाम है पिक्चर बॉक्स 1 बाय डिफॉल्ट, और मैंने जो कोड कॉपी पेस्ट करा है उसमें भी नाम है पिक्चर बॉक्स 1, लेकिन जो प्रैक्टिकल कर रहा हो, जैसे आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है, और इस पिक्चर बॉक्स का नाम आपने बदल दिया है, ठीक, तो ये कोड नहीं काम करेगा। तो जो आपने पिक्चर बॉक्स का नाम अगर बदल दिया है तो यहाँ पे भी आपको पिक्चर बॉक्स का नाम बदल देना पड़ेगा, समझ गए आप लोग। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगा, ये जो फंक्शन है मेथड है सब रूटीन बनाया ना, इसी को इस पे भी मैं पेस्ट कर दूंगा, तो क्या होगा, अब दोनों के लिए वो कोड काम करेगा। ठीक, ये देखिए काम कर रहा है जी। चलिए जी,
अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो है ना कैंसिल बटन, उस पर मैं, कैंसिल बटन नहीं है वो एक्चुअली पिक्चर बॉक्स है, तो पिक्चर बॉक्स वन डॉट इमेज इक्वल टू नथिंग कर दूंगा इसमें, ठीक है। तो अब क्या होगा जी, पिक हट जाएगा, ठीक है। इस पे क्लिक करा, फिर से मैंने इधर से ओपन कर लिया पिक्चर, इस पे क्लिक करूंगा तो गायब हो जाएगा, फिर ओपन करूंगा मैं, ठीक है, फिर से ओपन किया तो यहां से भी ओपन हो गया। मतलब इस पे आप क्लिक करें चाहे इस पे क्लिक करें, दोनों में जो है वो इमेज ओपन हो ही जाएगा, ठीक। इस पे क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा इमेज। इतना तक क्लियर है ना आप लोग को? नहीं है क्लियर? तो बात ऐसा है ना, ये जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे इसको सब रूटीन बनाया और यहाँ पे सब रूटीन को दोनों जगह पे कॉल किया, ठीक। ये बात तो आपको समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? आ रहा है पीछे, समझ में आ रहा है? जसवाल गुलशन, समझ में आ रहा है? नहीं आया? सब रूटीन मैंने इसको बनाया और सब रूटीन को यहाँ पे मैंने कॉल कर लिया, दोनों जगह कर लिया ना, बस यही काम किया हूँ मैं, ठीक है। ये टेक्निक में कोई खराबी नहीं है, ठीक है, ये जो तरीका है ओपन करने का ये कोई खराब नहीं है, फिर भी ये तरीका मुझे पसंद नहीं है, ठीक, ये तरीका मुझे पसंद नहीं है जी। तो क्या करना चाहिए, मैं ये चाहता हूं, ठीक है, कि ये फंक्शन जो है ना, ये जो कोड है ये तो सभी पिक्चर बॉक्स में इमेज लोड करने के लिए वैलिड है ना। तो जैसे मान लीजिए कि इस पिक्चर बॉक्स में मुझे इमेज लोड करना है, उसके लिए तो वो वाला जो है ना वो कोड काम करेगा, लेकिन दूसरा पिक्चर बॉक्स और मैं ले लिया, तीसरा पिक्चर बॉक्स और ले लिया, तो सबके लिए क्या मैं इसी तरह से फंक्शन बनाऊंगा? फंक्शन तो नहीं बना सकता ना उन सबके लिए। तो मैं क्या करूंगा जी, आपने पढ़ा होगा ना कि यहाँ पे पैरामीटर भी हम दे सकते हैं, पढ़ा है ना आप लोगों ने? तो हम क्या करेंगे जी, वही काम यहाँ पे करेंगे, ठीक। इसको मैं बड़ा करता हूँ और एक तो मैं फंक्शन बनाता हूँ, एक नहीं फंक्शन ही सब रूटीन ही बनाता हूँ, फंक्शन से भी काम हो जाएगा, फंक्शन जो है इमेज रिटर्न कर देगा तो हो जाएगा काम, क्यों? जैसे फंक्शन बनाएंगे तो क्या होगा, इस तरह से काम करेगा फंक्शन। जैसे मैं पूरा फंक्शन बना नहीं रहा हूं आपके सामने, बस थोड़ा सा झलक दिखा रहा हूं, ऐसे किया गेट इमेज कर दिया जी, क्यों ऐसे, ठीक। तो जिस भी पिक्चर बॉक्स में हमें फोटो ओपन करना है इमेज, बस ये मेथड कॉल करेंगे और इमेज प्रॉपर्टी में ये असाइन कर देंगे, तो ऐसे कर देंगे, तब हमें इतना कोड लिखने से बच जाएंगे ना हम, क्यों? नहीं समझ में आया? समझ में आया? बना के दिखा दूं क्या? इस सब रूटीन को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं, ठीक है, बल्कि इसका कोड मैं कॉपी करता हूं, इस सब रूटीन को यथावत छोड़ रहा हूं मैं, इसको फंक्शन के तौर पे मैं बनाऊंगा तो कैसे, ठीक है, यहां पे लिखता हूं क्रिएट मेथड, ठीक, आ गया फंक्शन बन गया ये। आप जानते हैं कि फंक्शन कुछ ना कुछ चीजें रिटर्न करता है, जानते हैं आप लोग? तो हमने यहां पे क्या करा, एक फंक्शन बनाया, किस नाम से फंक्शन बनाया, गेट इमेज नाम से, ठीक है, गेट इमेज नाम से फंक्शन बनाया, प्राइवेट यहां पे लिखा हुआ है, इसको आप इग्नोर करें थोड़ी देर के लिए, फंक्शन यहां पे बनाया और इसका रिटर्न टाइप क्या है, फोटो, मतलब ये फोटो रिटर्न कर रहा है, राइट। अब इसमें मैं जो ऊपर कोड कॉपी किया था उसी को मैं पेस्ट कर दिया जी, ठीक। और अब मैं क्या कर रहा हूं जी, यहां पे रिटर्न करूंगा, ठीक, इसको भी मैं कमेंट किया इस लाइन को, ठीक है, रिटर्न लिखा और रिटर्न कर दिया इमेज यहां से, समझ रहे हैं आप लोग? ये जो है इतना क्या कर रहा है, इतना कोड
फोटो वापस कर रहा है, यही फोटो तो हम इमेज के पिक्चर बॉक्स के इमेज में रखते थे ना भाई, पिक्चर बॉक्स के इमेज प्रॉपर्टी में रख रहे हैं किसको, ये जो रिटर्न कर रहा होगा, ये भी तो फंक्शन ही होगा ना, तो ये रिटर्न कर रहा है वो इमेज प्रॉपर्टी में हम रख ले रहे हैं जी, और हम भी अब वही करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे नथिंग, ठीक, ऐसे गायब, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे क्लिक करूंगा ना पिक्चर बॉक्स में तो भी काम करेगा अब, ठीक है जी। रन करता हूं मैं, ठीक है, क्लिक करा मैंने, ठीक है, पिक्चर बॉक्स पे आ गया ना, लेकिन अब क्या हो गया, ये स्ट्रेच तो नहीं है, अब नहीं है ना स्ट्रेच, बस यही समस्या आएगा। अब इसमें क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये स्ट्रेच रूप में दिख रहा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे जी, अगर हम फंक्शन बनाते हैं और सिर्फ इमेज रिटर्न कर देते हैं इसके प्रॉपर्टी में, तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे मैन्युअली, हमको यहाँ पे मैन्युअली प्रॉपर्टी सेट करना होगा, स्ट्रेच करना चाह रहे हो कि नहीं, बॉर्डर स्टाइल कैसा रखना चाह रहे हो, ठीक, ये हमको जो है सेट करना पड़ेगा मैन्युअली, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि जितना भी मैं इमेज यूज कर रहा हूँ सब में स्ट्रेच हो, तो क्या मैं बार बार लिखूंगा स्ट्रेच हो, नहीं लिखना चाहूंगा, तो इसी के लिए मैं क्या करूंगा, मैं फंक्शन भी नहीं बनाऊंगा और इसके लिए क्या बनाऊंगा, सब रूटीन बनाऊंगा, ठीक। तो ये फंक्शन जो मैं बनाया था इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं करता कर देता हूँ डिलीट जी, ये भी मुझे तरीका पसंद नहीं है, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, ये जो सब रूटीन है इसी सब रूटीन का इस्तेमाल मैं कर लूँगा, ठीक। बस मैं क्या करूँगा ऐसा कि जिस भी पिक्चर बॉक्स में पिक्चर मुझे लोड करना होगा उस पिक्चर बॉक्स का नाम मैं यहाँ से पास कर दूंगा, कैसे, ऐसे, आप देखिए पिक्चर बॉक्स वन में मुझे इमेज लोड करना है तो पिक्चर बॉक्स वन को मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक। यही पिक्चर बॉक्स मैंने यहाँ पे भी पास कर दिया जी, ठीक, ठीक है ना। और अब मैं क्या करूंगा, इस पिक्चर बॉक्स को मैं इसको दे तो दिया लेकिन कोई वेरिएबल तो यहाँ होना चाहिए ना जी, नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा जी, यहाँ पे ले लूंगा पिक्चर बॉक्स डॉट पी आई के पिक बी ओ एक्स, ठीक, ले लिया मैंने, ठीक है, बाय रेफरेंस कर दूं या बाय वैल्यू कर दूं, बाय रेफरेंस कर दूं, नो, मैंने गलत वेरिएबल यहाँ पे ऐसे नहीं बनता है, ये मैंने जावा का टेक्निक यूज कर दिया, एज होता है फिर ऐसे बनता है, हाँ ये टेक्निक होता है, ठीक है जी। अब इसको मैं हटा दूंगा तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया जी, जिस भी पिक्चर बॉक्स में लोड करना होगा वो पिक्चर बॉक्स हम यहाँ पे दे देंगे, समझ में आ रहा है आपको, और उसको यहाँ पे फंक्शन में हम रिसीव कर लेंगे, मतलब सब रूटीन में, ठीक है। रिसीव करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पिक्चर बॉक्स को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक, और फिर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मैंने स्ट्रेच पास करा है ना, मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट और यहाँ पे भी कर दूंगा पेस्ट, मतलब क्या, मतलब ये कि पैरामीटर में जो पिक्चर बॉक्स आ रहा है उसका इमेज प्रॉपर्टी में ये इमेज डाल दो जो सिलेक्टेड है, और फिर क्या करो उसी पिक्चर बॉक्स का साइज मोड क्या कर दो, स्ट्रेच कर दो, ठीक। तो जो भी पिक्चर बॉक्स हम देंगे उन सभी पिक्चर बॉक्स के लिए ये कोड अब काम करेगा, ठीक। मैंने अभी इतना लिखा है, इसको और थोड़ा मैं बदल रहा हूँ कोड को, ठीक। थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा लेकिन आप लोग अभ्यास करेंगे बार बार तो आसान हो जाएगा। अब देखिएगा जी ये बराबर कोड काम करेगा, ठीक, ये देखिए काम कर रहा है, इस पर भी मैं क्लिक करूंगा तो भी ओपन हो जाएगा और करूंगा तो भी ओपन हो जाएगा, राइट। चलिए जी,
एक कोड मैंने लिख लिया, इस कोड में अभी भी कोई समस्या अब नहीं है, लेकिन फिर भी इसको इस तरह से लिखना मुझे पसंद नहीं है। ठीक है जी। तो क्या करना चाहिए, अब इसको और बदलना चाहिए। ठीक, आपने ये स्कोप तो पढ़ा होगा ना, हमने कोड कहाँ लिखा है, ये सारा कोड इस फॉर्म पे लिखा है ना, इस फॉर्म पे, तो इस फॉर्म के लिए ये कोड वैलिड नहीं होगा, या दूसरे फॉर्म के लिए वो कोड वैलिड नहीं होगा। ठीक, तो वो किसी भी फॉर्म में हम उस कोड का इस्तेमाल कर सके, इसलिए हमको क्या करना होगा, इस कोड को बदलना होगा। कैसे बदलना होगा जी, बड़ा आसान काम है, ये हमारा पूरा सब रूटीन है। इसको प्राइवेट के जगह पे मैं कर दूंगा अभी पब्लिक, कर दिया मैं पब्लिक। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ तक इसको मैं कट कर लिया, कट कर रहा हूँ ना, डिलीट नहीं कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ। और आता हूँ मैं सॉल्यूशन एक्सप्लोर पे, यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर बना करके मुझे रखना चाहिए था, लेकिन मैं प्रोजेक्ट छोटा बना रहा हूँ इसलिए फोल्डर वगैरह मैं कुछ भी नहीं बना रहा हूँ। यहाँ पे आके हम क्या लेंगे, एक ठो क्लास ले लेंगे। ठीक है जी, एक ठो इस तरह से मैंने क्लास ले लिया, और क्लास का मैंने नाम क्या कर दिया जी, माई इमेज इसका क्लास का नाम मैंने रख लिया। ठीक, और इस माई इमेज के अंदर मैंने इसी कोड को पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, अब ये कोड ठीक है, ठीक है, इसको मैंने सेव किया। अब मैं न्यू स्टूडेंट में जैसे ही आऊंगा, ठीक है, यहाँ पे ये जो है लोड इमेज इन पिक्चर बॉक्स, ये कोड जो है बोलने लगा एरर। अब हमको इसके लिए क्या करना होगा, मैं बताता हूँ क्या करना होगा। हम यहाँ पे करेंगे इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट करने के बाद क्या कर लेंगे जी, इधर जो बनाया था ना, क्या इसका नाम है, माई इमेज, इसको कर लेंगे जी इम्पोर्ट, स्टूडेंट मैनेज प्रोजेक्ट डॉट, आ गया ना माई इमेज, ऐसे लिखेंगे इम्पोर्ट, और फिर लिख देंगे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो मेरा प्रोजेक्ट का नाम है, और उसके अंदर क्या है, माई क्लास लिखा हुआ है, तो ये माई क्लास को हम यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये माई इमेज है ना, माई इमेज के बाद इधर माई इमेज डॉट लगाएंगे। ओ, एक काम हमको और इधर करना पड़ेगा, ठीक है, इधर लिख देंगे हम जी स्टैटिक, ठीक है, या ऑब्जेक्ट हम बना लेंगे, स्टैटिक होता नहीं है क्या इसमें यार, मेरे को मालूम नहीं, मैंने तो सी शार्प में यूज करा था और जावा में भी यूज करा था, इसमें होता नहीं है क्या स्टैटिक, देखते हैं जी स्टैटिक होता है कि नहीं। ओवरलोडिंग मस्ट नाउ डिफॉल्ट क्लास एस इनुमरेटन फंक्शन शैडो स्ट्रक्चर सब ओवरराइड रीड ओनली, नहीं पता जी स्टैटिक इधर होता है कि नहीं, मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करने का, लेकिन होता है स्टैटिक, यूज कैसे होता है मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी। स्टैटिक, ठीक है जी, मेथड कांट बी डिक्लेयर्ड स्टैटिक, ये कह रहा है कि मेथड जो है स्टैटिक आप क्या करते हैं, डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, नो प्रॉब्लम जी, हम नहीं डिक्लेयर करेंगे, जब आपका यही इच्छा है तो। तब हम क्या करेंगे जी, आएंगे यहाँ पे, यहाँ पे जो मैंने इमेज लिखा है ना, इसको हटाएंगे ऐसे, और डीम इमेज एज न्यू, और फिर लिख लेंगे माई इमेज ऐसे। ठीक, ऐसा हमने किया, और अब हम क्या करेंगे जी, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, ऐसे कर देंगे, ठीक, ऐसे, ठीक है जी,
और हम इसको क्या करेंगे, कट करके वैसे ही इधर बना लेंगे जी यहाँ पे, और फिर इमेज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, और ये आ गया ना गेट लोड पिक्चर बॉक्स, इसको क्लिक करा और फिर हम क्या करेंगे जी, पिक्चर बॉक्स हम दे देंगे, यही वाला पिक्चर बॉक्स, ठीक है जी। ये कोड जो है वैलिड है, ये वाला कोड बढ़िया है जी, ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों को मैं क्या किया? नहीं समझ में आया, मैंने एक तो अलग से यहाँ पे क्लास बनाया, ठीक है, इधर से गया और इधर से ऐड न्यू पे क्लिक करा और इधर से एक क्लास बना लिया, जो क्लास बनाया वो क्लास यहाँ है जी, ठीक है, और इसी में एक तो मैंने बना लिया है सब रूटीन, ठीक है जी, और वही सब रूटीन का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया हूँ यहाँ पे इम्पोर्ट करके, ठीक है, और उसी को इधर पे मैं क्या किया हूँ, कॉल कर दिया हूँ, पिक्चर बॉक्स दे दिया, अब ये कोड जो है वैलिड है, ये काम करेगा, ठीक। तो किसी को यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत आ रहा है तो बताइए जी, नहीं दिक्कत है तो फिर कह दीजिए कि दिक्कत नहीं है, क्यों दिक्कत आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा है दिक्कत, समझ में आ गया, क्यों समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन बढ़ गया, किस लाइन पे दिक्कत है आप पहले मेरे को ये बताइए, सिर्फ इतना बताइए किस लाइन पे समझ में, कौन सा चीजें समझ में नहीं आया, मेरे को मालूम है कि समझ में नहीं आ रहा होगा या बहुत कंफ्यूजन हो रहे होंगे, लेकिन मैं किया क्या क्या ये तो समझ में आ गया ना कि मैं क्या क्या किया। सिंपल काम मैं किया हूँ, सॉल्यूशन एक्सप्लोर में आया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, ऐड पे आया और यहाँ पे ले लिया एक क्लास, ठीक है, क्लास का नाम यहाँ पे मैं दिया डॉट वीबी को छोड़ दिया, ठीक, ऐड पे मैंने क्लिक कर दिया, जैसे ऐड पे क्लिक किया तो ये खुला था, ऐसा आया था ना, और इसी के अंदर मैंने यहाँ पे एक तो लिख दिया फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन मैंने लिखा, ये वो फंक्शन है जो कि पिक्चर बॉक्स में फोटो को लोड करने में काम आता है, ठीक, फंक्शन लिखा और बोला कि यहाँ से इसके ब्रैकेट में ये पिक्चर बॉक्स का नाम मैं दूंगा, ठीक, इस सब रूटीन को मैंने बोला कि यहाँ पे मैं पिक्चर बॉक्स का नाम पास करूंगा, ठीक है, और उसी पिक्चर बॉक्स में आप यहाँ पे फोटो लोड कर देना और उसी पिक्चर बॉक्स को यहाँ से आप स्ट्रेच कर देना, ठीक। मैं आपको बताया था ना कोड से डायलॉग बॉक्स को ओपन करना, ओपन डायलॉग बॉक्स को, सेव डायलॉग बॉक्स को, यही फायदा यहाँ पे आपको समझ में अब आ रहा होगा कि यहाँ पे आप कंट्रोल को कैसे खींच के लाएंगे, ये देखिए नहीं आ रहा है ना कंट्रोल, तो यहाँ पे आप कंट्रोल को तो पकड़ के खींच के ला नहीं सकते जी, नहीं ला सकते ना, तो इसीलिए यहाँ पे हम कोड करके बनाते हैं और इसको ओपन करते हैं। अब ये कोड ऐसा हो गया कि जहां भी चाहे जितने बार चाहे इस्तेमाल आप कर सकते हैं बार बार, ठीक ठीक है। इस मेथड में सब रूटीन में मैं पिक्चर बॉक्स का नाम दूंगा, ठीक है, जैसे ही पिक्चर बॉक्स का नाम दूंगा, जिस भी पिक्चर बॉक्स का नाम दे दूंगा उसी में इमेज को लोड कर देगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया, यहाँ पे क्या लिखा, इंपोर्ट लिखा मतलब मुझे दे दो, क्या दे दो, माई इमेज नाम का क्लास मुझे दे दो, वो क्लास लेकिन है कहाँ, तो मैं बताऊँगा, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है, जो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, इसी के अंदर माई इमेज रखा हुआ है, ठीक, ये है वो माई इमेज, ये मेरे को दे दो, ठीक। तो ये लाइन लिखने का मतलब क्या है कि मेरे प्रोजेक्ट में ये वाला कोड जो है आ गया, ठीक, कौन वाला कोड, इस क्लास के अंदर जो लिखा है वो कोड। अब मैंने यहाँ पे क्या किया जी, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, इमेज एज न्यू इमेज ऐसे करके, ठीक है, जैसे हम डायलॉग बॉक्स को बनाते हैं ना कोड के थ्रू, वैसे ही हम माई इमेज को कोड के थ्रू यहाँ पे बना दिए, ठीक। अब यहाँ पे जैसे इमेज बन गया ना हमारा, तो इस इमेज पे क्या हमने कॉल कर दिया, डॉट लोड इन, लोड इमेज इन पिक्चर बॉक्स कॉल किया और इसमें दे दिया पिक्चर बॉक्स का नाम, ठीक। जैसे ये कॉल हुआ तो ये कहाँ जाएगा, ये उठ करके आ जाएगा यहाँ पे, ठीक, ये यहाँ पे बना है ना, और जो वहां यहाँ पे हमने जो पिक्चर बॉक्स का नाम दिया है, ये पिक्चर बॉक्स का नाम कहाँ पे आ जाएगा जी, यहाँ पे, और वही पिक्चर बॉक्स का नाम आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इमेज प्रॉपर्टी में फोटो सेट हो जाएगा, कौन सा फोटो सेट होगा, जो फोटो आपने सेलेक्ट किया था, राइट। तो कुछ समझ में आया, कुछ आया होगा शायद, कुछ भी नहीं आया, फिर से कुछ समझ में आया होगा या कुछ भी नहीं आया बताइए,
या कुछ और टेक्निक में यूज करूं बताने का? क्यों नहीं समझ में आया? आ गया। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा दो चार बार। क्या कह रहे हो? ठीक है, आप लोग दो चार बार प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये जो मैं कोड लिखा हूँ ये बहुत ही बेहतर कोड है, ठीक है, ये रीयूजबिलिटी बार बार हो जाएगा, ठीक है। इंडस्ट्री वगैरह में कुछ इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है कोड वगैरह, ठीक है। तो चलते हैं जी आगे। हम पिक्चर बॉक्स को लोड करने का तो काम हमने कर लिया बड़ा मेहनत से, ठीक है। समय कितना हो गया जी यार? इतने देर में 40 मिनट कैसे हो गया? 40 मिनट में तो मैं पूरा पिक्चर बॉक्स का कोड लिख सकता था, ये तो कॉपी पेस्ट किया फिर भी, क्या मजाक है। बोलो व्याख्यान तुमने ज्यादा दे दिया ना फालतू का। तो क्या कहते हो भाई, आगे मैं बताऊं या फिर कैसे करूं? प्रैक्टिकल आप लोग करेंगे? क्यों, जो कहो। बताओ जी, प्रैक्टिकल आप लोग करोगे या फिर? ठीक है, कर लीजिए आप लोग प्रैक्टिकल।